गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठवीं के विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 6 सांख्यिकी, जिसमें आज हम सीखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला है m बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर समांतर माध्य को m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, इसे हम औसत भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने औसत का फॉर्मूला पढ़ा होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। सेम यही है, यहाँ पर हमने संख्या की जगह प्रेक्षण यूज किया है। प्रेक्षण क्या होता है? जो भी आपका संख्या दिया होगा, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो संख्याएं दिया होगा, यही हमारा क्या है? प्रेक्षण। तो इसे हम कैसे मालूम, इसी क्वेश्चन को मैं यदि सॉल्व करना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? m बराबर प्रेक्षण ये दिया हुआ है, इनका हमको क्या करना है? योग करना है। 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से हो गया, बटे का निशान होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है? प्रेक्षणों की संख्या। कितने प्रेक्षण है हमारे? 1, 2, 3, 4। कितने प्रेक्षण है? 4। तो यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे। इस तरह से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। तो चलिए हल करते हैं। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14 बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पर काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14। इस तरह से हमारा समांतर माध्य क्या आया? 7/2। इस तरह से हमको समांतर माध्य निकालना होता है। समांतर माध्य से संबंधित मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया हुआ है। संख्याएं 8, 5, x, 6, 10, 5 ये हमारा क्या है? प्रेक्षण है, ठीक है, का माध्य। माध्य यानी क्या? समांतर माध्य। कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा, हम समांतर माध्य ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। हमको प्रेक्षण दिया था, समांतर माध्य हम ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर प्रेक्षण भी दिया है और समांतर माध्य भी दिया है। क्या क्या करना है? x का मान ज्ञात कीजिए। अब x कहाँ है? देखिए, इन प्रेक्षणों में यहाँ पर x है, तो इन्हीं प्रेक्षणों में से जो x है उसका मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 8, 5, x, 6, 10 और 5 ये हमारा क्या हुआ? प्रेक्षण हो गया। समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इस तरह से, ठीक है। तो प्रेक्षण का योग तो सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस तरह से कितने प्रेक्षण है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह प्रेक्षण है हमारे। अब ये हमारा क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य हमको दिया था 7, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं? जोड़ते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो 34, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़े तो हमने कितना आया? 34। लेकिन हम x को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, तो इसलिए प्लस x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बटे में क्या हमारा? 6 है, ठीक। अब क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे तभी हमारा x निकल पाएगा। तो यहाँ पर ये भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में चले जाएगा। ये हो जाएगा 34 + x = 7 × 6। यहाँ से 6 हट के यहाँ चले गया, ठीक है। अब यहाँ पर 34 × x = 7 × 42 इस तरह से हो गया। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 34 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 42 - 34 इस तरह से, इस बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा समांतर माध्य में x का वैल्यू जो हमको निकालना था वो 8 आ गया।